तो स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट वन का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट आप लोग का है सेट्स एंड रिलेशन का, मैंने आप लोग को कल के दिन एक्सरसाइज 1.2 तक पूरा सॉल्व करके दे दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेसेलेनियस एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चन किए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम लोग आधा मेसेलेनियस को फिनिश कर दें, आधा एक लेक्चर में आपका दो लेक्चर में मेसेलेनियस एक्सरसाइज साइज 1 पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में मेसेलेनियस में आपको क्वेश्चन क्या पूछा है। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है राइट द फॉलोइंग, क्या क्या दिया दोस्तों, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर। आपको यहाँ पे टोटल सब क्वेश्चन 3 दिया, आपको इस तीनों क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी सेट बिल्डर क्या होता है ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैं आप लोग को बेसिक कंसेप्ट में ही बताया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में। ओके, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा है मेसेलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट, शुरू कर रहे हैं। हमें पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया है, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से हमें देख रखा है। और हमें बोला क्या है कि आप लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। चलो आओ हम लोग इसको लिख लेते हैं। सपोज़ मैंने मान लिया सेट बी, मैं क्या मान लिया, सेट बी मान लिया। अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ वाई सच दैट वाई, क्या लिखूँ, y such that y is equal to 10n, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, n का मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सबको सबको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 10n is equal to n belongs to n, मतलब नेचुरल नंबर belongs to नंबर, फिर नेचुरल नंबर 50, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 10, 20, 30, 40, 50 दिया है। तो हम लोग इस यहाँ पे हम लोग इंटरवल का यूज़ किए, जो आप लोग इंटरवल पढ़े थे, तो मतलब ये हमारा ये जो लाइन है मतलब हमारा 50 के इक्वल है। यहाँ पे हम लोग बोल दिए कि हम लोग का वाई सच दैट वाई ये हमारा 10n से शुरू हो रहा है, लेकिन भाई ख़त्म कहाँ हो रहा है, हमें यहाँ पे दिया है ना 50, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए भाई ये 50 के इक्वल है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड में क्या पूछा है ये देखिए, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से आपको कुछ दे दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, इसको सॉल्व करो। सपोज़ मैं इसको मान लेता हूँ ये हमारा एक सेट है एक्स, यहाँ पर ले लिया एक्स सच दैट एक्स। ओके, मैं इसको मान लिया कि हमारा ये एक सेट एक्स है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सपोज अभी देखो ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं, देखिए आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में एक एक वर्ड आता है, कौन सा, ओवल, ओवल, वही यहाँ पे यू यूज़ हुआ है। आपसे अगर कोई पूछेगा भाई कि इंग्लिश में टोटल कितने क्या कितने ओवल है, तो आप क्या बोलोगे, ए ई आई ओ यू, तो हम लोग ओवल अल्फाबेट से बोलते, तो हमारा वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ ओवल, ओवल ऑफ अल्फाबेट्स, ओवल और अल्फाबेट्स हम लोग यहाँ पे ले लिए। ओके, अब हम सब क्वेश्चन 3 इसका सॉल्व करते हैं। आपको 3 में क्या पूछा है, आपको सब क्वेश्चन 3 में यहाँ पे दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एक सेट मान लिया ए, करली ब्रैकेट, वाई सच दैट वाई, देखो ये आपको क्या दिया है, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब इसमें हमें हफ्ते का दिन दिया है, क्या दिया है, वीक ऑफ अ डे दे दिया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना वाई सच दैट वाई इज अ रिप्रेजेंटेशन, इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वीकली डे, हमें ये क्या बता रहा है, हमें यही बता रहा है ना कि भाई एक हफ्ते में संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होता है, तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा कि ये हमें क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वीकली डे कर रहा है। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का लो, फिर मैं आगे की तरफ मूव आउट करता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर वन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव आउट करता हूँ। टोटल आपको क्वेश्चन नंबर टू में भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, मैं सब सॉल्व करा के दूंगा। क्वेश्चन नंबर टू में आपको कुछ सेट दिया है, यू ए बी सी, जो क्या क्या दिया देखते हो। हमें सबसे पहला सेट दिया यू, क्या क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। फिर देखो एक से बड़ा हो, यहाँ पे मतलब एक से बड़ा और एक से इक्वल भी हो, लेकिन वो 12 से मतलब वो 12 से बड़ा ना हो लेकिन आप 12 के इक्वल तक चलेगा, ऐसा हमें यहाँ पे बोल के रखा है। तो हम लोग को यहाँ पे एक सेट ए, सेट बी, सेट सी सब कुछ दिया है। हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ को कॉपी करते हैं। तो हमें सेट ए क्या क्या दिया, 1, 4, 7, 10, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी आप वहाँ से प्रिफर कर सकते हैं। हमें सेट क्या बी क्या दिया, 2, 4, 6, 7, 11। हमें सेट सी क्या दी, क्या क्या दिख रखा है, 3, 5, 8, 9, 12। और हमें सेट यू क्या दे के रखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 इक्वल टू x इक्वल टू 12। हमें इतना दे के रखा है ना। और हमें पूछा क्या है, हमें टोटल 6 सब क्वेश्चन पूछे हैं। हम लोग वन बाई वन सब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने से पूछा a यूनियन b, कि भाई ए का यूनियन बी कितना होगा। तो आओ सॉल्व करते हैं। अभी आप सेट ए में देखो, हमें सेट ए में क्या दिया, 1, 4, 7, 7, 10। तो आप लिखो यहाँ पे 1, 4, 7, 10 लिखिए। अभी हमें फिर इसका यूनियन इस तरीके से हम लोग इसका क्या देंगे, यूनियन देंगे। अगर आप इसका यूनियन देंगे फिर सेट बी, सेट बी में क्या दिया, 2, 4, 6, 7, 11 ख़त्म। अभी आप इसका यूनियन निकालो। यूनियन क्या होता है पता है कि आपको पता होगा कि जो एलिमेंट दो बार आता है उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो इसमें क्या कोई भी एलिमेंट दो बार है क्या है, देखो इधर 4 दो बार, इधर 7 मतलब ये दो दो बार रिपीट हुआ है, इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो आओ लिखते हैं 1, 4, 7, 10, 2, 6, 11। ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। देखिए आपका नंबर आगे पीछे भले हो तो चलेगा। अभी अभी कैसे आप बोलोगे भाई, आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है उसमें क्या लिखा है, एकदम सीरियल वाइज 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11 इस तरीके से आपको लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना 1, 4, 7, 10, 2, 6, 11 कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका मार्क्स एक भी नहीं कटेगा। ओके हम लोग स्क्रीन शॉट चाहिए तो इसका लो। मैं सब क्वेश्चन टू का यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो हमें सब क्वेश्चन टू क्या पूछा है, बी इंटरसेक्शन सी। हमारा सेट बी में देखो, हमें सेट बी में क्या दिया, 2, 4, 6, 7, 11। इसका इंटरसेक्शन सेट सी के साथ, हमें सेट सी में क्या दिया, 3, 5, 8, 9, 12। ओके इसमें देखो, इसमें आप देखो क्या कोई भी एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन है, मतलब जो इसमें हो और इसमें भी हो, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट आप मुझे तो नहीं दिख रहा है, जो आपको भी नहीं दिखेगा। तो आप ऐसा एक कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसका आंसर आप ऐसे लिखो, या तो और में आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसा भी साइन में बना दोगे तो ये हमारा ये नल सेट होता है। ओके स्क्रीनशॉट चाहिए तो फर्स्ट सब क्वेश्चन टू कर लो। मेरे हिसाब से अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेके, अगर आप मेरे साथ साथ अगर अपने रफ बुक में प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको और जल्दी चीज़ें समझ में आने लगेगी, लेकिन फ़िलहाल में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सब क्वेश्चन थ्री हम लोग सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन थ्री में हम लोग से क्या क्या पूछा है, देखो ए माइनस बी मतलब ए के सेट में से बी के एलिमेंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ए माइनस बी, हमें सेट ए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 1, 4, 7, 10। माइनस करो सेट बी 2, 4, 6, 7, 11। तो कैसे माइनस करो, क्या ऐसे करोगे 1 माइनस 2, ऐसे नहीं उसमें होता। मैं सब कुछ आपको सिखाया हूँ, फिर भी आओ एक बार और। अभी इसमें आप देखो सेट ए में देखो, ऐसा कौन सा एलिमेंट जो सेट ए का है वो कॉमन सेट बी में भी हो, तो ऐसा कोई है, जी हाँ, यहाँ पे आपका 7 और यहाँ पे 7 आपका क्या कॉमन है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे बाकी सब लिखेंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1, 4, 10। ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर, 1, 4, 10 है नहीं, हाँ हमारा 4 भी नहीं क्योंकि हमारा 4 भी वहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 10। इसका है दोस्तों फाइनल आंसर 1, 10। ये मत लिखना, मैं गलती से 4 यहाँ पे देख नहीं पाया, यहाँ पे हमारा 7 और 4 कॉमन, हमारे पास बचा 1, 10।
इसका स्क्रीनशॉट चाहिए चाहिए तो लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी बात। हमें फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, बी माइनस सी, बहुत ईजी है। आप अभी यहाँ पे जो सेट बी दिया है इसको आप देखो, मेरी उंगली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, 4, 6, 7, 11 माइनस करो सेट सी। हमें सेट सी क्या क्या दिया है, 3, 5, 8, 9, 12 ओके। अभी आप सेट सी में देखो, किसमें देखोगे आप सेट सी में देखो कि सेट बी का एलिमेंट इसमें कोई कॉमन है क्या। देखो 2 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है, नहीं, 7 नहीं है, 11 नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा जो सेट बी है वो सेम टू सेम रहेगा, 2, 4, 6, 7, 11 ये हमारा इसका आंसर हो गया। चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव आउट कर रहा था, वहाँ आपको स्क्रीनशॉट लेने को नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अभी सब क्वेश्चन फिफ्थ को हम लोग सॉल्व करते हैं, सब क्वेश्चन 5। इसमें टोटल आपको कितने 6 क्वेश्चन है पूछे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बहुत ईजी है, ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत फंटेस्टिंग। अभी आप इसमें देखो, आपको सेट ए दिया, सबसे पहले आप ये लिखो क्या क्या दिया, 1, 4, 7, 10 फिर हमारा यहाँ पे यूनियन का साइन, तो यूनियन। अभी आप सेट बी लिखो, तो हमें यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, 7, 11 तो लिखो 2, 4, 6, 7, 11 फिर यहाँ पे देखो हमारा क्या है, यूनियन का है साइन, तो फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा यूनियन। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा यूनियन। फिर अभी आप सेट सी में देखो, 3, 5, 8, 9, 12 तो यहाँ पे लिखो 3, 5, 8, 9, 12 अभी आप इसमें देखो क्या कोई भी एलिमेंट दोबारा क्या क्या दो दो बार रिपीट हुआ है क्या, ऐसा देखा 1 नहीं, हाँ 4 देखो दो दो बार रिपीट हुआ, 7 दो दो बार रिपीट हुआ, 10 एक ही बार हुआ है, 3 नहीं हुआ है, 5 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 12 नहीं, जैसे नंबर एक एक बार है। तो आप इसमें लिखो, कैसे लिखोगे भाई, इसमें आप जो नंबर दो बार है उसको एक ही बार लिखो बस। क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपका हो गया फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, फिर मैं सब क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ता हूँ, जो उम्मीद है कि ले लिए होंगे। सब क्वेश्चन 6 आपसे क्या पूछा है, बहुत फंटेस्टिक क्वेश्चन क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हमारा जो ए है वो इंटरसेक्शन से होगा, किससे, बी यूनियन सी से। ओके सबसे पहली बात आप सेट ए लिखो, तो हमें सेट ए के क्या दिया, 1, 4, 7, 10 तो 1, 4, 7, 10 इसका यूनियन निकालो। सेट बी आपको सेट बी यहीं पे दे के रखा है, 2, 4, 6, 7, 11 ओके। फिर देखो यहाँ पे हमारा यूनियन नहीं, सॉरी देखो यहीं पे हम लोग का मिस्टेक होता है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इंटरसेक्शंस क्या आएगा, इंटरसेक्शंस आएगा, फिर यूनियन सी। तो अभी आप सेट सी लिखो, 3, 5, 8, 9, 12 इस तरीके से लिखो। अभी आप फिर सेट ए को कॉपी करो, क्यों, हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, 1, 4, 7, 10 तो हमारा इंटरसेक्शन का साइन होता है। हम लोग जो यू बनाते हैं यूनियन में, फिर उसको आप लोग को इसमें उल्टा कर देना। अभी आप सेट बी और सेट सी में देखो क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, 3, 5, 8, 9, 12 यहाँ पे है, नहीं है, तो नहीं है, नहीं है ना, तो बस आप सेम टू सेम उसको कॉपी करो। क्या करोगे, कॉपी करोगे तो और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ये हमारा हो गया। ओके इसमें देखो आपको क्या कोई, इसमें आपको क्या कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है इसमें और इसमें, तो देखो मिला मुझे, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है, तो यही हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन, 4, 7 हमारा आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपका फाइनल आंसर होता है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह मूव आउट करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें क्या पूछा है, इन सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट इन स्कूल, एक स्कूल में 425 बच्चे थे, वहाँ पर सर्वे किया गया। ओके इट वॉज फाउंड दैट 115 ड्रिंक एप्पल जूस, उसमें 115 बच्चे ऐसे थे जो कि एप्पल का जूस पीना पसंद करते थे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या दिया, 160 ड्रिंक ऑरेंज जूस, और 160 बच्चे ऐसे थे जो कि ऑरेंज का जूस पीते थे, एंड मतलब उसके अलावा 80 ड्रिंक बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, और 80 बच्चे ऐसे थे
जो कि एप्पल का भी जूस पीते थे, सॉरी हाँ, जो एप्पल का भी जूस पीते थे और ऑरेंज का भी जूस पीते थे। हमें फाइन क्या करना है? हाउ मैनी ड्रिंक नैदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। हमें ये फाइन करना है कि ऐसे कितने बच्चे थे ये 425 में से जो ना एप्पल का जूस पीते थे ना ऑरेंज का पीते थे। बहुत ईजी है और मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। मुझे इधर एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हम लोग सब क्वेश्चन सॉरी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ मानो, क्या मैं डाइस का सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो आप मानो सेट ए मानो। इसमें क्या लिखोगे? ए इज अ सेट ऑफ ड्रिंक एप्पल जूस। कि हमारा जो सेट ए है वो सिर्फ हम लोग सेट ए में उसी को काउंट करेंगे जो एप्पल का जूस पीता हो। फिर हम लोग सेट बी लेंगे, तो हम लोग बी इज अ सेट ऑफ ड्रिंक ऑरेंज जूस। कि इसमें हम लोग सेट बी में उन लोगों को लेंगे जो केवल ऑरेंज का जूस पीते हों, जो केवल किसका जूस पीते हों, तो ऑरेंज का। मैं आप लोग को थोड़ा और मैं आप लोग को थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा एक वेन डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। सपोज़ ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो सेट ए में क्या है? एप्पल है। एप्पल जूस कितने पीछे? 115 बच्चे। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेट ए में 115, बी ऑरेंज, और ऑरेंज कितने पीते हैं? 160। और एप्पल और ऑरेंज दोनों कितने लोग पीते हैं? तो 80 स्टूडेंट पीते हैं। कितने पीते? 80। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक प्रकार का वेन डायग्राम हो गया, ओके। और हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं? 425। तो अभी आपको ऐसा बना के अपने फेयरबुक में दिखाना नहीं है, ये मैं आपको रफ करवा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपको लिखना ज़रूरी है। तो हम लोग पहले ले लेते हैं नंबर ऑफ एक्स। एक्स मतलब यूनिट। कितना हमारे पास है? हमारे पास 425 है। फिर नंबर ऑफ सेट ए, आई एप्पल जूस पीने वाले कितने बच्चे हैं? तो 115 बच्चे, 115 है, ओके 115 है। फिर यो दोस्तों, वन मिनट, पेन मेरा ख़त्म हो गया, एक सेकंड। हमारे पास पेन है, पेन की हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। वन मिनट, हाँ तो हमारी अब नई पेन आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग लेंगे नंबर ऑफ सेट बी। हमने सेट बी को क्या माना है? जो ऑरेंज जूस पीते थे। ऑरेंज कितने पीते बेचारे? ऑरेंज जूस पीते हैं लगभग 80 लोग, नहीं सॉरी 160 ड्रिंक ऑरेंज जूस, मतलब 160 बच्चे जो पीते हैं ऑरेंज जूस पीते हैं। और उसमें भी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस भी, मतलब ऐसे बच्चे जो कि एप्पल जूस और ऑरेंज जूस दोनों पीते, तो वैसे कितने लोग हैं? 80 है। कितने बच्चे? 80 बच्चे। हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों का क्या क्या रहेगा कॉम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड करना है। मतलब ऐसे बच्चे, ओ नहीं सॉरी, यहाँ पे बी आएगा, हम लोग को ऐसे बच्चे जो कि ना एप्पल का जूस पीते ना ऑरेंज का जूस पीते, ओके। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम लोग थोड़ा सा फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करो, नंबर ऑफ ए कितना है? 115 हमारे पास है। नंबर ऑफ बी कितना है? नंबर ऑफ बी हमारे पास 160 है, माइनस हमारे पास है 80 है। सॉल्व करो, 150 प्लस 160 होता है हमारा 275 माइनस 80। सॉल्व करो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 195। मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना मिला हम लोग को? 195 मिला। ऐसे बच्चे मतलब 195 बच्चे ऐसे थे जो कि मतलब वो अपना वो ऑरेंज और एप्पल जूस दोनों पीते थे। हम लोग फाइंड आउट का क्या करना है? जो कुछ भी नहीं पीते उन लोग बेचारे खाना ही नहीं खाते, अब समझो तो इस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ मेनी ड्रिंक। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अब? हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल, वन सेकेंड, नाइदर एप्पल एंड ऑरेंज जूस। की मतलब ऐसे बच्चे जो ना एप्पल का जूस पीते ना ऑरेंज का जूस पीते, उन लोगों को जूस ही नहीं पसंद है भाई, तो क्या करेंगे? तो हमारा क्या क्या होगा? हमने यहाँ पे क्या माना था? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे नंबर ऑफ, हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्या? हाँ
हम लोग दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ही लेंगे, तो हम लोग लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी आप बोलोगे यहाँ तो यूनियन या इंटरसेक्शन क्यों लिए, बताता हूँ भाई यहाँ पे मैंने क्यों लिया। तो मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों ऐसा क्यों लिया, डी मॉर्गन्स लॉ में आप लोग को बताया था ना कि डी मॉर्गन्स लॉ किस तरीके से चेंज हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, 425 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, तो हमारे पास ए यूनियन बी हमने निकाले 195। इसको सॉल्व करो, अब 425 में से अगर 195 को अगर आपने माइनस किया तो आपके पास बच गया 230, जो कि हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब उसमें 230 बच्चे ऐसे थे जो कि ना ऑरेंज का जूस पीते थे ना एप्पल का जूस पीते थे। तो आप यहाँ पे आंसर इन वन वर्ड में लिख सकते हो किस तरीके से हैं, 230 स्टूडेंट्स, मतलब 230 बच्चे ऐसे थे नॉट ड्रिंक एनी जूस। भाई वो कोई भी जूस नहीं पीते थे, मतलब एप्पल और ऑरेंज का जूस नहीं पीते थे 230 बच्चे जो कोई जूस नहीं पीते थे। ओके, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम के ही जैसा एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, इसमें हमें क्या पूछा है, इन स्कूल देयर आर 20 टीचर, एक स्कूल है जहाँ पे टोटल 20 टीचर हैं, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मतलब ये जो 20 टीचर है ये अपना मैथमेटिक्स और फिजिक्स को टीच करते हैं, मतलब उसको पढ़ाते हैं। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ, 12 उसमें 12 टीचर ऐसे थे जो कि मैथमेटिक्स को टीच करते थे और 4 टीचर्स ऐसे थे जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों को टीच करते थे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी टीचर्स टीच फिजिक्स, मतलब कितने टीचर थे जो कि केवल फिजिक्स को टीच करते हैं, जो कि केवल किसको टीच करते हैं, फिजिक्स को टीच करते हैं। तो हमें वही फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग मानो, भाई मानना तो पड़ेगा। देखो ये हमारी पेन जो ख़त्म थी हुई, आप देख सकते हो पेन हमारी ख़त्म हुई है, उसको हटाइए, फालतू का टाइम पास हमारे पास अभी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं सेट M लेते हैं, तो M इज़ अ सेट अ सेट ऑफ टीचर, सेट ऑफ टीचर इज टीच मैथमेटिक्स को, क्या टीच करती है, मैथमेटिक्स ये टीच करते हैं, जो जितने भी सेट M में रहेंगे। और एक सेट P लेते हैं, P इज़ अ सेट ऑफ टीचर, हमारा P भी एक सेट है टीचर के लिए, टीचर इज टीच फिजिक्स। ये क्या बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, भाई फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स। ओके, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो हम लोग को अभी क्या, हम लोग को नंबर ऑफ M, मतलब ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने टीचर हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे 12 टीचर्स हैं। मैंने कैसे लिखा, आप बोलो भाई तुमने 12 कैसे लिखा, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ओपन देखा रखा है, 12 टीच मैथमेटिक्स, मतलब 12 टीचर ऐसे जो कि मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं। और हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ M यूनियन P, मतलब ऐसे टीचर जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, वैसे टोटल 20 टीचर्स हैं। फिर नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P, मतलब ऐसे टीचर जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स को ही पढ़ाते हो, मतलब कॉमन टीचर होते हैं ना, तो ऐसे कितने टीचर हैं, ऐसे केवल दोस्तों 4 टीचर। देखो यहाँ पे लिखा 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ओके, 4 हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ P, मतलब कितने हैं, कितने टीचर हैं जो कि फिजिक्स को पढ़ाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ P इज इक्वल टू नंबर ऑफ M माइनस नंबर ऑफ M यूनियन P प्लस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P। सॉल्व करो, नंबर ऑफ M हमारे पास कितना है, 12, M यूनियन P कितना है, 20, और हमारे पास M इंटरसेक्शन P कितना है, 4 है। देखो 12 माइनस 20 8,
प्लस फोर, एट प्लस फोर, ओके ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट प्लस फोर ट्वेल्व, तो नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ पी कितना मिल गया ट्वेल्व, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्वेल्व टीचर्स, ट्वेल्व टीचर्स टीच इन फिजिक्स, 12 टीचर जो थे वो टीच करते थे फिजिक्स को। ओके स्क्रीनशॉट चाहिए तो क्वेश्चन नंबर फोर का ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों इसमें टोटल 7 क्वेश्चन थे पूछे, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फोर तक सॉल्व कर करके दे दिया। अब जो बचे हुए 5, 6, 7 इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।